अब ये नीचे गिरेगी, ये आई। ओ गॉड, 4, 1, 2, 3, 4 और ये 5 नंबर की लौकी भी हम। चलिए दोस्तों, अब जो है हम बात कर लेते हैं इसकी A to Z। एक एक बात मैं इसको बताने वाला हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया, क्या सिस्टम है मेरा, और कैसी मिट्टी, कैसा खाद, कैसे मैंने गमले को भरा है। जिस तरह से मुझे एक गमले से ये रिज़ल्ट मिलता है, अक्सर जो नए गार्डनर होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, उनकी एक या दो लौकी आने के बाद पेड़ सूख जाता है प्लांट, और जो है फिर हमें लौकी मिलना ख़त्म हो जाती है। ये सारी परेशानियाँ इस वीडियो से आपको दूर होने वाली हैं, पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। बने रहें चैनल में। आप नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लॉन्ग वीडियो, लंबी वीडियो हो सकती है, स्किप करके ना देखें, वरना ये आपके लिए बेहतर नहीं होगा। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं बीज। ये लौकी का जो आप देख रहे हैं ये सीड बीज होता है, और इसके जो ये देख रहे हैं आप चेहरा, ये आपको इस तरह से जो है हमें मिट्टी के अंदर डालना होता है। तो इसको मैंने 1 इंच करीब हम इसको अंदर डाल देते हैं। 3-4 दिन में ये ग्रो हो जाता है। देख रहे हैं आप, मेरा जो लौकी का पेड़ लगा हुआ है वो इतने बड़े गमले में, ये लोहे की कूलर की टंकी है जिसकी मैंने बीचों बीच लगाया हुआ है। इसको कहीं साइड में किनारे पर नहीं लगाया। ये एक हैवी फीडर प्लांट होता है, इसका हमें ध्यान रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं मिट्टी। सबसे पहले जो मेन इसका रूट है, हमें मिट्टी और गमले की ज़रूरत होती है। हमें मिट्टी कैसे बनानी है, क्या रखनी है, ये आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं कि मिट्टी सबसे ज़्यादा अपन को सॉफ्ट रखनी है, और मिट्टी में मैं क्या मिलाता हूँ। पूरा गमले को भरना और मिट्टी बनाना ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। आप ज़रूर ये 2 स्टेप ज़रूर सीखें। मिट्टी बनाना, मिट्टी को कैसे सॉफ्ट मुलायम रखना है, न्यूट्रिएंट्स कैसे रखना है, गमला भरते समय जो है हमें क्या क्या इसमें मिलाना होता है, क्या ड्रेनेज सिस्टम होता है, ये आप ज़रूर देखें। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप जो है गमले को भर दें मिट्टी से और जो है फिर हमें जो है तुरंत हमें जो है आसानी से लौकी मिलने लगेगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए मैं मटका खाद की भी बात करूंगा। मटका खाद मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अब इसके बाद जो है जब हमारा पौधा ग्रो होने लगता है लौकी का, तो जब ये 7-8 फुट का करीब करीब हो जाता है, तो इस तरह से फिर हमें इसकी जो टॉप होती है, टॉप जैसे ये आप देखें कि ये टॉप नज़र आ रही है, और जो है फिर इसमें पहली जो ब्रांच होती है, जो शुरुआत में मदर ब्रांच होती है, उसमें इस तरह से ये चेहरा आप देख पा रहे होंगे। इसको जो है आपको यहाँ से इस तरह से कट कर देना है। मैं इस तरह से ये मैंने इसको कट कर दिया था। इससे क्या होता है कि साइड ब्रांचेस और निकलने लगती हैं, साइड में और ब्रांचेस निकलने लगती हैं, जिसमें फीमेल यानी लड़की वाले फूल आना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि हम मेल और फीमेल का हैंड पोलिनेशन करा देते हैं। इसके जो फूल हैं वो अक्सर रात में ही खिलते हैं, जिसको हम हैंड पोलिनेशन करा सकते हैं। ठीक है, और जो है इसके बाद में आपको बात कर लूं कि हमें इसमें हर 15 दिन में 10-12 दिन में हल्की सी गुड़ाई करना होती है। और इसमें आप खरपतवार देख रहे हैं कि ये खरपतवार अनवांटेड जो वीड्स होते हैं, इनको हमें निकालते रहना है। हमारे गमले में कोई भी जो है अनवांटेड प्लांट नहीं मिलेंगे, जैसे कि ये है, इन्हें हमें चारा वगैरह जो भी है इनको हमें से निकालते रहना है। ठीक है, हैंड पोलिनेशन हो गया। और जो है अब हम बात कर लेते हैं कि जब हमारा पौधा जो है फ्रूटिंग पे आ जाता है, फ्लावरिंग फूल होने लगते हैं, तब हमें मटका खाद का यूज कैसे करना है, लिक्विड खाद। और बाकी हमने मिट्टी में सॉलिड खाद का यूज़ तो किया ही किया है, गोबर की खाद है, आपका किचन वेस्ट है, और आपका सूखी पत्तियां हैं, और गमला भरने का जो सिस्टम है वो मैंने मेरी वीडियो अपलोड है देख सकते हैं। इसके बाद अब हमें ऊपर से क्या खाद देना होती है, ये एक हैवी फीडर प्लांट होता है, जिससे कि इससे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वरना आपके एक या दो पौधे सॉरी लौकी आकर ये सूख जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अब मटका खाद की तरफ।
तो दोस्तों हम आ गए हैं मटका खाद की तरफ। मेरे पौधे बहुत हेल्दी होते हैं, तो ये देखिए आप, ये आपको हमेशा अपनी छत पर कंडे जो काउडंग केक के जो उपले बनते हैं, इनको हमेशा हमेशा आपके इस तरह से घड़े रखना है आपको, और इसमें उपले हमेशा बनाकर हमेशा आप भिगोए रखें। और जो है ये सरसों की खली आप देख पा रहे हैं कि ये सरसों की खली भी हमेशा मेरी भीगी रहती है, इसमें डूबी रहती है। जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं इसको, दोनों को मिलाकर आपको यूज करना है। दोनों को आप सादा पानी बाल्टी भर लें और उसमें एक मग्घा एक डिब्बा ये ले लें, एक डब्बा आप ये ले लें, और दोनों को मिक्स करके आप लिक्विड खाद का जो है आप इस तरह से पौधों में डायरेक्ट डालते रहा करें, बहुत ज़बरदस्त इसका फ़ायदा मिलता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं किचन वेस्ट। किचन से ये भी एक मटका खाद है और ये पूरी कंपोस्ट नहीं बन पाती है, लेकिन जो भी हमारी किचन से रसोई घर से निकलते हैं छिलके वगैरह, प्याज के, आलू के, फलों के, मूंगफली के, जो भी एक्स वाई जेड जो भी निकले, हमें इसमें डालते रहना है, डालते रहना है, डालते रहना है। अब जब हम मिट्टी बनाते हैं और फिर जब हम अपना गमला भरते हैं, तो गमले के जो यहाँ तक करीब करीब, जैसे ये हमने यहाँ पर जो है इसको पलट दिया है, डाल दिया है, और फिर ऊपर से मिट्टी से हमने इसको कवर कर दिया है, फिर इसमें हम पौधा उगाते हैं, ग्रो करते हैं। जब पौधे की रूट जो है, जड़ें यहाँ तक पहुँचती हैं, तब तक ये पूरी तरह डिकम्पोज्ड हो चुका होता है और पौधे को एक जान मिल जाती है, बहुत प्यारी न्यूट्रिएंट्स मिल जाती है। तो ये हमारी मटका खाद हो गई है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, और आप जो है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और कैसी जानकारी लगी। कोई भी आपको क्वेश्चन हो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।